ओम शांति। आपका प्रश्न है कर्म योगी बनने की सहज विधि क्या है? सहज विधि क्या है? कर्म योगी, कर्म करते हुए बाबा की याद, कर्म करते हुए बाबा की याद। यदि हम कर्म कर रहे हैं और बाबा हमें याद है तो हम कर्म योगी हैं। इतनी सहज विधि बाबा ने बताई हुई है, बस सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए, बाबा की श्री मत पर चलना ही कर्म योगी बना है। जब तक हम बाबा की श्री मत पर नहीं चल रहे हैं, कोई कर्म योगी नहीं बन सकता। ये नहीं कि मैं कर्म कर रहा हूं, बाबा को याद कर रहा हूं, इसलिए मैं कर्म योगी हूं। नहीं, दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक। उधर गीत चल रहा है, हम खाना बना रहे थे, बाबा की गीत में हमने सारे खाने बनाए, हम कर्म योगी हैं? बिल्कुल नहीं है कर्म योगी। बाबा की याद के साथ, बाबा के डायरेक्शन अनुसार विधि पूर्वक खाना बनाया है, तब आप कर्म योगी। खाना बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं बना, चाहे आप वहां पर कितने गीत बजा रहे थे, कितने सब गीत गा रहे थे, बड़ी मस्ती में काम हो रहा था, परंतु काम विधि पूर्वक नहीं था। कहीं पानी अशुद्धता से डाला गया, कहीं लापरवाही कुछ बनाने में की गई, या हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे थे वो सामान जो यूज हो रहा था वो एक्यूरेट नहीं थे। बहुत ध्यान से समझना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारा सवेरे उठना पहला कर्म है। हम बाबा की श्रीमत के अनुसार उठे हैं, कर्मयोग। बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हमने सबके साथ व्यवहार किया है, देखा सब आत्माओं को, लेन देन की सब आत्माओं के साथ। बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने हर कार्य किया, स्नान किया तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, बाबा के रथ को स्नान कराया, क्योंकि मेरा तो है नहीं, क्योंकि ये तो हमने बाबा को दे दिया। बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने स्नान किया, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने किसी से बात की, हमने इधर उधर की ऐसी वैसी बातें की, तो कर्म योगी नहीं है। वो कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार हुआ ही नहीं। सारा दिन लेन देन बाबा की श्रीमत के अनुसार आत्माओं के साथ हुई या जिस्मानी संबंधों के साथ हुई? एकदम सहज है। आप सैर करने जा रहे हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार, एक एक एक्शन आपका बाबा की श्रीमत के अनुसार होना चाहिए। और एक्शन की पहली पहचान यही है कि हमने जिन भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आना है उनको हमने रूहानी दृष्टि से देखना है, रूहानी दृष्टि से बोलना है, रूहानी दृष्टि से करना है। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सोचना है तो सिर्फ इतना सोचना है कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूं, यदि यहां पर ब्रह्मा बाबा होते तो इस कर्म को कैसे करते? बस
मेरा कर्म उसी तरीके से हुआ है तो मैं ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चल रहा हूं, यदि उसी प्रकार से नहीं हुआ है तो मैं बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा हूं और ये कर्म योग नहीं है। खुद ब खुद सहज, कुछ भी, कोई गीत सुनने की जरूरत नहीं, कोई कमेंट्री सुनने की जरूरत नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि गीत वातावरण को बनाते हैं परंतु श्रीमत की याद के लिए गीत जरूरत नहीं है। श्रीमत के लिए तो बाबा की श्रीमत चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे गीत भी ऐसे हैं जिसमें बाबा की श्रीमत नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो उसे पहचान भी नहीं सकता कि बाबा की श्रीमत है या भक्ति है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाबा के भगत बच्चे आ गए हैं और उन्हें गीत कला है उनके पास लिखने की, भक्ति के गीत लिखा करते थे उसी तर्ज में उन्होंने ज्ञान के गीत भी लिख दिए। बाबा जुड़ गया है तो ज्ञान के गीत हो गए, पर तो उसके अंदर जो उन्होंने तुक बंदियां की हैं, जो अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं, वो भक्ति मार्ग वाले। तो हमें बहुत अच्छी तरह सहज विधि है बाबा की श्रीमत पर कर्म करना। और आपको कोई प्रश्न उठता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 2000 वीडियोस का सेट डाला हुआ है, जिसमें आप सभी भाई बहनों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है। आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, सृष्टि नाटक से संबंधित, कर्मों की गति से संबंधित, योग से संबंधित और आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न, आप अपने प्रश्नों के उत्तर वहां देख सकते हैं। यदि आपके प्रश्न का उत्तर आपके उस बॉक्स में नहीं मिलता, प्लेलिस्ट में नहीं मिलता, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसे ढूंढ कर भेजूंगा या उस पर नया वीडियो बनाकर भेजूंगा। ओके, ओम शांति। और अच्छी तरह से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे, ठीक है क्या नहीं? और कोई प्रश्न आपकी बुद्धि में है अवश्य व्हाट्सएप। ओम शांति।